नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस पावरफुल मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रोज रात को करो औरत के साथ ये एक गुप्त काम, पैर धोएगी औरत आपकी। दोस्तों, उससे पहले आइए जानते हैं अगर औरत के ये अंग बड़े ही तो वाह है, बहुत भाग्यशाली। कौन से अंग, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, कृपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अब बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं, और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में महिलाओं को पूज्य माना गया है, उन्हें सबसे उच्च सम्मान प्राप्त है। यही वजह है कि हमारे यहाँ कन्याओं के पूजन की परंपरा है। दोस्तों, गरुड़ पुराण और समुद्र शास्त्र की बात करें तो इसमें महिलाओं के अंगों के बारे में विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, हर महिला की अपनी एक खासियत होती है, उसका कौन सा लक्षण किस पुरुष के लिए बेहतर या भाग्य है, इस सवाल का जवाब सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है। इसमें महिलाओं के बालों से लेकर पैरों और नाखूनों की स्थिति तक बताया गया है कि उनका क्या फल मिलता है। इसमें महिलाओं के बड़े अंगों का भी अलग अलग फल बताया गया है। शायद यही वजह कि हमारे घर के बुजुर्ग विवाह के लिए लड़की देखने जाते थे तो शारीरिक सुंदरता की बजाय बालिका के शारीरिक अंगों और लक्षणों पर अधिक गौर करते थे। आइए अब हम आपको बताते हैं कि महिलाओं के कौन से अंग अगर बड़े हैं तो वह है पति और परिवार के लिए भाग्यशाली और उनके भाग्य को बदलने वाली होती है और उनके लिए बहुत ही शुभ होती है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, नंबर एक, लंबे और बड़े बाल। दोस्तों, शास्त्रों में वर्जित है कि लंबे बालों वाली महिलाएं पहनी होती है, अर्थात उच्च कोटि की होती हैं। लंबे और रेशमी बाल शुभता और सौंदर्य का प्रतीक हैं। अगर आप भगवती देवी का कोई भी चित्र या प्रतिमा देखेंगे तो पाएंगे कि उनके बाल लंबे होते हैं। लंबे बालों वाली महिलाएं पति के लिए भाग्यशाली साबित होती हैं। दोस्तों, नंबर दो, लंबी गर्दन। सामुद्रिक शास्त्र में लंबी गर्दन वाली महिलाओं को मंगलकारी माना गया है। जिन महिलाओं की गर्दन लंबी होती है वो ऐश्वर्यशालिनी होती है, इनके पास संपूर्ण वैभव होता है और इनके रहते पति को कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। दोस्तों, नंबर तीन, ऊंचा वक्ष स्थल। सामुद्रिक शास्त्र और भविष्य पुराण में लिखा गया है कि ऊंचे सुडोल और बड़े वक्ष स्थल वाली महिलाएं सौभाग्यशाली होती हैं। इसके सुडोल वक्ष स्थल धन संपत्ति और ऐश्वर्य का प्रतीक है। दोस्तों, प्राचीन देवी प्रतिमाओं में आप देख सकते हैं कि शिल्पकारों ने बड़े वक्ष स्थलों को सौभाग्यशाली के रूप में प्रस्तुत किया है। ऐसी महिलाएं पति के लिए एक तरह से तारणहार होती हैं। इनकी संतान भी अपेक्षाकृत ज्यादा बेहतर और सफल होती है। नंबर चार, मांस और पुष्ट जंघाएं। मांस और पुष्ट जंघाएं भी सौभाग्यशाली होने का प्रतीक होती हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की जंघाएं पुष्ट व मार्शल होती हैं तो वह औरत बहुत ही भाग्यशाली होती है। इसके कारण ही पति को मकान और वाहन का सुख बेहतर ढंग से प्राप्त होता है। पतली और विकृत जंघाओं को शास्त्रों में अच्छा नहीं माना गया है। नंबर पांच, बड़ी आंखें। दोस्तों, बड़ी आंखों वाली महिलाएं बहुत ही सौभाग्यशाली होती हैं। वे विदुषी, विवेकशील और बहुत ही समझदार होती हैं। यह पूरे परिवार के लिए शुभ होती हैं और विपत्ति आने पर अपनी सूझबूझ से पूरे परिवार को संभाल लेती हैं। इसके रहते घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, नंबर छह, लंबी नाक। सामान्य से कुछ लंबी नाक वाली महिलाएं गंभीर और शांत स्वभाव की होती हैं। यह हर विपत्ति का सामना करने में सक्षम होती हैं। इनके कारण पूरा परिवार सुरक्षित रहता है। इसके अलावा सामान्य सिर और सामान्य कान वाली महिलाएं परिवार के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों, नंबर सात, पैर और उंगलियां। सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के हाथ और पैरों के आकार को विशेष महत्व दिया गया है। सामान्य आकार के चिकने पैरों वाली महिलाएं एक तरह से लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। इनके पैरों की सबसे छोटी उंगली कुछ लंबी और भूमि को स्पष्ट करती हुई होती है, तो यह महिलाएं बहुत ही सौभाग्यशाली और पति के लिए लकी होती हैं। इसी तरह हाथों की मध्यम आकार की उंगलियां और चिकने हाथों वाली महिलाएं भी बहुत ही लकी साबित होती हैं। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि औरत के साथ रोज रात को कौन सा काम
अवश्य करना चाहिए। दोस्तों आचार्य चाणक्य जी के अनुसार रात को सोते समय औरत को अगर रोज प्यार करोगे तो आपका शादीशुदा जीवन स्वर्ग बन जाएगा, और अगर नहीं करते तो आपका रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होता चला जाएगा और आपका जीवन नरक बन जाएगा। इसीलिए दोस्तों रोज रात को सोते समय अपनी पत्नी को प्यार करके ही सोना चाहिए। अगर दोस्तों ये गुप्त काम आप करते हैं तो आपकी पत्नी या बीबी आपके पैर धोएगी और आपके तलबे चाटेगी। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ अनमोल वचन जो हमने आपके साथ शेयर किए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे किसी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।